ये रिश्ता क्या कहलाता है। नायरा, तुम ठीक हो ना? तुमने अचानक ऐसे स्टेज पर उठा लिया मुझे। तुम्हें चोट लग जाती या कैसा जाता तो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अगर लगा तो आई एम सॉरी। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, ना ही कुछ प्रूव करना चाहती थी। उस पल में मुझे जो सही लगा मैंने किया। शायद मैं डर गई थी कि कहीं हम हार ना जाएं। एज ए कपल आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार नहीं होते हो, दूसरे की हर चीज़ भी आप पर डिपेंड करती है और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है जिम्मेदारियों का। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से तुम्हारी हार हो। मैं भी यहाँ वहाँ है तू, मुझ मेरा वाह है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ मेरा वाह है तू। यहाँ वहाँ कंटेस्टेंट्स, अब हमारे अगले राउंड के लिए तैयार हो जाइए। ये राउंड थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा सा आसान भी। ये है ईगो और प्यार के बैलेंस का इम्तिहान। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस राउंड में ऐसा है क्या? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस राउंड में पति लगाएगा अपने पत्नी के पैरों में नेल पेंट। चोरू का गुलाम सुना है ना? वो बना के रख दिया है किट्टू को। पता नहीं क्यों सब उसे जोरू का गुलाब कहते हैं। ओके, सो सारे कंटेस्टेंट्स स्टेज पर आ जाइए प्लीज। मुझे कपल्स कुछ कम लग रहा है। Who's missing? Oh yes, हमारे पिछले राउंड के विनर्स मिस्टर एंड मिसेस गोयनका। मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, आप दोनों जहां भी हैं प्लीज कम ऑन स्टेज। हे भगवान, कहीं बनती बात बिगड़ ना जाए। लगा था कि सब ठीक हो रहा है, फिर ये क्यों ये करना मैया? यही राउंड क्यों? कुछ और भी तो हो सकता था ना। क्यों बार बार आप हमारे सामने ऐसी मुश्किल स्थितियां लाकर खड़ी कर देती हैं? बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी आपने भगवान। समझ नहीं पा रहे क्या मांगे आपसे हम। किट्टू खेल छोड़ के चला जाए या फिर नायरा के पैर में बैठ के उसे नेल पेंट लगाए और खेल जीत जाए, बदले में गोयनका का परिवार का मजाक बनाए। सब चाहते हैं आप भगवान? परिवार की इज्जत, नाम, इन सबसे बड़ा है मेरे बच्चों का रिश्ता। भगवान, आज जीत मेरे बच्चों की होनी चाहिए। नायरा, ये आपके लिए लास्ट एंड फाइनल कॉल है, प्लीज जल्दी आइए। मुझे अपना सबक मिल गया है कार्तिक। हमारी इस प्यार की निशानी, जिस चीज को मैं खोया हुआ समझ रही थी, वो मेरे इतने करीब थी, पर मुझे उसका एहसास भी नहीं था। बिल्कुल हमारे रिश्ते की गहराई की तरह। नहीं खोने दूंगी, ना ही इसे और ना ही हमारे रिश्ते को। मैम, आपको वहां स्टेज पे बुला रहे हैं, जल्दी चलिए प्लीज। अब मैं बस अभी आई कार्तिक को लेके, आप प्लीज उनसे कहिए कि 2 मिनट और रुक जाए प्लीज। थैंक यू। मैं स्टेज पे जा रही हूँ कार्तिक, तुम भी आ जाना। कंपटीशन तो खत्म होने वाला है, अब जल्दी से एक कागज भी उन दोनों तक पहुंचा देता हूं, जिससे उन दोनों का भी लड़ाई झगड़ा खत्म हो और मेरी राह का रोड़ा भी हट जाए। चल बेटा। कार्तिक, आपके हस्बैंड को भी बुला लीजिए प्लीज। हो गए, लेट्स स्टार्ट द गेम। आप निश्चिंत रहिए सुहासिनी जी, ये प्रतियोगिता तो आपका पोता ही जीतेगा। वो तो ऐसे भी अपने बीवी के पीछे पीछे लगा रहता है। अब कार्तिक, जरा संभाल के नेल पेंट लगाना, कहीं बिखर ना जाए। हाँ। जितना प्यार करता है ना नायरा से, उतने ही प्यार से लगा बेटा। सारे गबा गबा नी दानी दाबा बाबा। का नेल पेंट लग चुका है, मैं जाकर चेक करके बताती हूँ कि किसका सबसे बेस्ट है। वाओ, आई एम सरप्राइज्ड। सब लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया है, पर अफसोस विनर तो एक ही होगा ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस राउंड के विनर है कार्तिक एंड नायरा। थैंक यू माँ जी, कि आज आप खुश हैं। आपको आज कार्तिक का नायरा के पैरों में बैठना बुरा नहीं लगा। अच्छा, एक बात आप लोग सच सच बताइए, इस राउंड को लेके कितने लोग यहाँ अनकंफर्टेबल थे? समझ सकती हूँ मैं कि आपके लिए अनकंफर्टेबल क्यों होगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक पति की जगह पत्नी के सर माथे पर होती है और एक पत्नी की जगह पति के चरणों में होती है। एक औरत अगर अपने पति के चरणों में हो तो वो पतिव्रता कहलाती है, और यही अगर उल्टा हो जाए तो पति जोरू का गुलाम, दुम छल्ला, हैंडपैक और ना जाने क्या क्या कहलाता है कि नहीं? कौन है किसी भी रिश्ते को जज करने वाला? कौन किसके सर पर बैठा है या कौन किसके पैरों पर बैठा है, ये डिसाइड करने का हक हमें किसने दिया है? जैसे हर इंसान की शक्ल अलग अलग होती है, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, तो रिश्ते भी अलग हो सकते हैं। मशीन में नहीं बनते रिश्ते जो कि हूबहू एक जैसे हैं। तुम्हारी आंखें मुझसे कुछ कह रही हैं कार्तिक, पर क्या वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? आई बात तुम्हारी समझ में नायरा, किसी ने कहा और तुमने मान लिया। बस वो जो कह रहे वही सच है, रिश्ता हमारा है। एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछा होता कि मैं उसे कैसे देखता हूँ, क्या फील करता हूँ उसके बारे में। ये रिश्ता क्या